नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज टॉप 10। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबरों पर। इस बार 95 लाख खर्च कर सकेंगे कैंडिडेट, जिस दिन नामांकन उसी दिन से शुरू होंगे कैंडिडेट्स के चुनावी खर्च। लहसुन की रखवाली कर रहे किसान की हत्या, खेत में मिला शव। जीतू पटवारी का सीएम से सवाल, उज्जैन से ज्यादा अराजकता क्यों। एमपी की 18 सीटों पर आज तय होंगे कांग्रेस कैंडिडेट, दिल्ली में हुई सीडब्ल्यूसी की बैठक, शाम 4 बजे सीईसी की मीटिंग होगी। 20 मार्च को सीधी, 27 को बालाघाट, छिंदवाड़ा में नॉमिनेशन कराएंगे सीएम, पहले चरण की 4 सीटों को लेकर चर्चा, छिंदवाड़ा में कार्यवाहक जिलाध्यक्ष की नियुक्ति। बार बार निराधार तर्क, अरुणाचल प्रदेश पर बेतुके चीनी दावे पर भड़का भारत। अरुणाचल प्रदेश पर चीन के बेतुके दावों को विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में निराधार तर्क दोहराने से ऐसे दावों को कोई वैधता नहीं मिलती है। 5 न्याय और 25 गारंटी मैनिफेस्टो पर चर्चा, खड़गे बोले देश बदलाव चाहता है। सीडब्ल्यूसी मीटिंग दिल्ली में, कांग्रेस हेडक्वार्टर में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई। कांग्रेस की मीटिंग में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनावी घोषणा पत्र पर चर्चा की गई। बीजेपी में शामिल हुए पूर्व आईएफएस अधिकारी तरणजीत सिंह संधु इस लोकसभा सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। आगजनी मामले में सपा विधायक के खिलाफ फिर टला फैसला, परिवार को देख फफक पड़े इरफान सोलंकी, छावनी में तब्दील रही कोर्ट। आगरा में पेट्रोल पंप के पास मिला बम, बीडीएस की टीम ने डिस्पोज किया, मारक क्षमता थी कम, कहां से आया, खुफिया एजेंसियों जांच में जुटी। अखिलेश यादव को लगा करारा झटका, समाजवादी चिंतक के बेटे ने साइकिल छोड़ थामा हैंडपंप। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।